sunrise. Her body fit right in my hands. La la la. It felt like oh la la la. Yeah, I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is oh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. सो हे गाइज, वेलकम टू जम्मू व्लॉग्स। गाइज आज मैं हूँ फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट में, एंड बेसिकली हमारे कॉलेज का सर्वे कैंप चल रहा है। कॉलेज का नहीं मतलब ये हमारी सिविल ब्रांच है, तो खाली सिविल ब्रांच में ही होता है सर्वे कैंप। हमारा एक सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि जियो इन्फॉर्मेशन मतलब हमें अर्थ की इन्फॉर्मेशन लेके डेटा कलेक्ट करके हमें मैप्स बनाने होते हैं। जैसे आप GPS गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे, आपको उसमें अलग अलग फीचर्स दिखते होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, उनके बेसिकली सर्वेस हुआ करते हैं। ऑल्दो वो फोटोग्रामेट्री होती है, मतलब ऊपर से फोटोज खींचे जाते हैं तो वो होते हैं, बट टोपोग्राफिकल मैप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, उनको बनाने के लिए हमें फीचर्स शो करने होते हैं कि जैसे यहाँ पे वाटर बॉडी है, जैसे मेरे पीछे ही है, सो वाटर बॉडी शो करनी होती है कि रोड है, यहाँ पे रोड शो करना है, फेंसिंग शो करनी है, हट शो करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज शो करने हैं, अलग अलग टाइप्स के बैम्बू ट्रीज हैं वो यहाँ पे, वो मतलब उनको शो करना है ऊपर कि कहीं जंगल है, यहीं पे पीछे जंगल है। सो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट चंडीगढ़ से कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है, 15 मिनट का रास्ता है। ऑल दो 3-4 किलोमीटर फ्लैश में कवर हो सकता है, बट रोड इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है। चंडीगढ़ से बिल्कुल एडजेसेंट है यहाँ पे, यहाँ पे चंडीगढ़ के भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने देखा चिल करने आती हैं फैमिलीज, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, इट्स वेरी 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 ह्यूज। सो मतलब मज़ा आ रहा है हम भी, एंड इट्स बीन 9 डेज, वी आर वर्किंग हेयर हार्ड। हम डेली आके यहाँ पे सर्विस करते हैं, मतलब जितने भी आसपास फीचर्स हैं उनको रिकॉर्ड मतलब कर रहे हैं, अभी सर्विस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सो आज बेसिकली हम प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं, उससे भी 2-3 दिन हो गए हमारे पास। हमें यहाँ पे बेसिकली कन्वेंशनल टेक्निक्स भी सिखाई जा रही हैं, जो पुराने ज़माने में जब इतनी मतलब डिजिटलाइजेशन नहीं थी, पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट होते थे उनसे सर्वे किया जाता था, कैसे किया जाता था हमें वो भी सिखाया है। और आजकल जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, वो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर देता है। होता क्या है, हमें बेसिकली स्टाफ वगैरह एक होता है स्केल रख के, जगह जगह पे पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं कि इस पॉइंट पे जमीन से इतना मतलब मीन सी लेवल से इतना ऊपर है, वो सब निकाल लेते हैं हम, और बाद में शीट पर प्लॉट कर सकते हैं या तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है उस पर प्लॉट करते हैं। अब इतना मैं आपको बोर नहीं करूंगा ये सब बकवास बता के, आप एक काम करो, आज हमारा लास्ट डे है तो यार मेरा इसलिए मन किया यार थोड़ा बना लेते हैं। ऐसे इतने दिनों से मैं भी फ्री नहीं था, यहाँ पे बहुत काम है यार लगातार, देखो अंत नहीं है कोई, इतने ज़्यादा फीचर्स ना आपके आसपास, आप नजरें घुमाओगे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखेंगे, आप कितना ही रिकॉर्ड कर लोगे। सो हम कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा फीचर्स हो सके हम मैप पे दिखा सकें, वो करते हैं। सो कहते हैं शुरू, आपको दिखाते हैं कि हम कैसे सर्वे कर रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत फन ब्लॉग रखते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज दिस इज द मैप जो हम प्लॉट कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बबल ट्यूब। बेसिकली ये देख रहे हो आप, आपने DSLR वगैरह देखेंगे जो ट्राइपॉड स्टैंड होते हैं उन पे भी लगा होता है बबल ट्यूब, एंड ये कुछ इस तरह का हमारा ट्रैवर्स बोलते हैं इसको। एंड दिस इज द मैप, यहाँ पे हमने ट्रीज शो किए हैं, हट शो किए हैं, फेंसिंग शो की है, बाउंड्रीज शो की है, रोड्स भी शो की है, एंड और इसको बोलते हैं एलिडेट गाइज। इससे हम क्या हो गया, सो और ये ट्राइपॉड स्टैंड हमारा, हमारा प्लेन टेबल बोलते हैं इसको, और ये शीट है हमारी, एंड वो हमारे रेंजिंग रॉड्स वगैरह लेके वहाँ खड़े हैं, और उस रेंजिंग रॉड को साइड किया जाता है गाइज इस एलिडेट से, मैं आपको दिखा दूँ, इसमें देखा जाता है, एंड वी साइड द रेंजिंग रॉड, उसको इंटरसेक्ट बाई साइड किया जाता है, जैसे हमें पता चल जाता है कि वो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में है वो रेंजिंग रॉड। एंड टेप है हमारे पास, ये बागमिन भाई नीचे लेके टेप लेके खड़ा हुआ है, एंड इस टेप से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और एक स्केल चूज करके मतलब उस डिस्टेंस को कंप्रेस करके हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई चलो 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो स्केल से हम उसको इतने डिस्टेंस पर शो कर देते हैं फीचर को। सो ये मैंने को छोटा सा इन शॉर्ट प्रोसेस बता दिया। इस तरह बहुत सारे मेथड होते हैं कि जैसे पॉन को करना है हमने आसानी से करना है तो किस तरह उसको प्लॉट करना है, सो ये सब छोड़ो आप, अब आपको मिलवाता हूँ मैं अपनी टीम से। ओके गाइस, तो आपको मिलाते हैं अपनी टीम से। सबसे पहले मिली आप यामिनी से, दिस इज यामिनी, यामिनी शी इज आवर टीम लीडर, एंड सबसे ज्यादा आवाज आपको इसी की आएगी पूरे ग्रुप में,
एंड दिस इज शुभम द हार्ड वर्कर एंड ये रही हमारी हर्षिता, हर्षिता से आए एंड शी इज द आर्ट एंड क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफ हर ग्रुप एंड दिस इज तरुण. एनीथिंग स्पेशल? एंड दिस इज अ मसल मैन, मतलब सारे बारी बारी इक्विपमेंट उठाने के लिए बंदा हमेशा तैयार. एक साथ उठा लेता भाई, एक साथ टेबल स्टैंड रेंजिंग रॉड्स बंदा एक साथ उठा के ले आता है. चिचिला कम देखो अभी भी इसी की आवाज आ रही है कैमरे में. एंड ऑल द टाइम और कौन रह गया? जस्सी रह गया और एक दो बंदा हमारे आज है नहीं यहाँ पर, वो एब्सेंट ही रहते हैं वैसे ज्यादातर. दिखते कम है भाई. देख रहे होंगे वो ब्लॉग, देख रहे होंगे वो ब्लॉग. सो गाइस लगभग मतलब 10 बंदे हैं हर ग्रुप में एंड एक बंदा ये रहा अपना जस्सी भाई. कैसे हो भाई, कहना चाहते हो कुछ आप? कुछ नहीं कहना चाहते. एक चीज और की एक रिजॉर्ट होने के साथ साथ यहाँ पे एक गोल्फ भी है जो इसका पूरा नाम है, वो है बेसिकली फॉरेस्ट रिजॉर्ट गोल्फ एंड कंट्री मैन क्लब कुछ इस तरह करके है. तो जहाँ हम बेसिकली सर्वे कर रहे हैं ये पूरा एरिया है, यहाँ पे उस साइड भी है. सो यहाँ पे तो गोल्फ के पैच एक दो ही है जहाँ पे बॉल आ सकती है. जो मेन है वो हमारे अपोजिट साइड है, मतलब जहाँ पे वो पीछे जाके है. सो मतलब यार बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी. आप मैप पे देख रहे हैं हम जिस एरिया में है वो थोड़ा लिमिटेड एरिया, इसका काफी कम एरिया है. जो दूसरा मेन एरिया है इसका वो बहुत बड़ा है जहाँ पे एक्चुअली में गोल्फ खेला जाता है. मैं अभी वहाँ पे जाऊंगा आपको दिखाऊंगा. एंड यहाँ पे एक होटल टाइप भी है इनका, कुछ रूम्स भी हैं शायद कुछ बंदों के लिए गेस्ट वगैरह आए तो. सो अभी यहाँ पे इनके प्लॉट्स वगैरह कट रहे हैं, कुछ रेजिडेंसी मतलब ये प्लॉट्स भी सेल कर रहे हैं. मैंने देखा यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग वगैरह चल रही थी एक दो दिन पहले, यहाँ पे हम सर्वे कर रहे थे तो ऑक्शन हो रही थी प्लॉट्स की. सो फिलहाल आपको एक दो इंस्ट्रूमेंट और भी दिखाता हूँ, बड़ी सी सी चीजें देखते चलो आगे. तो इसे कहते हैं हम ऑटो लेवल. इसमें से हम साइड करके और जो मुदित भाई ने स्टाफ पकड़ा है, मुदित एक सेकंड, ये देखो इस पे रीडिंग्स है. तो इसको हम सीधा ग्राउंड पे खड़ा किया जाता है एंड इसको देखा जाता है उससे. सो उससे बेसिकली हमें लेवल पता चल जाता है कि जमीन कितना ऊपर नीचे है एंड वो सब कैलकुलेशन करके हम निकाल लेते हैं. तो गाइस राइट नाउ मैं थोड़ा उसी वाली साइड जा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत इसका टूर दिखाने कराने. एंड हमारे कॉलेज के ना प्रोफेसर हमें बता रहे थे कि ये जो सर्वे कराना होता है ना बेसिकली सिविल ब्रांच को ना ये करवाते ही हैं. तो इस बार कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे मना कर दिया था सर्वे करवाने से, कह रहे थे कि कॉलेज वाले ने डायरेक्टर ने हमारे, तो उन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि यार आप इनको करा दो, इनके लिए बहुत जरूरी है एंड मतलब कराना चाहिए. वो बताते कि जब वो अपने टाइम पे यहाँ पे पढ़ते थे, हमारे एक प्रोफेसर है वो इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो वो बताते थे जब वो पढ़ते थे यहाँ पे तो उनको हिमाचल प्रदेश में सोलन एक जगह है, सो वहाँ पे रेलवे मतलब उसके आसपास सबसे अच्छा सर्वे होता है तो रेलवे वगैरह वाली जगह. मोहित भाई इधर आ. सो मैं इनको बता रहा था कि हमारे प्रोफेसर हमें बता रहे थे कि जब उनके टाइम पे होता था उनको रेलवे वाली जगह लेके जाते थे, जैसे सोलन में जगह थी वाटर बॉडीज वगैरह सबका मतलब वहां पे सर्वे अच्छी तरह होता था, आप सीख पाते थे. सो इस बार तो यहाँ पे भी आने से कॉलेज ने मना कर दिया था, कहते कि कॉलेज के अंदर ही कर लो, बट उन्होंने कहा वो फ्रूटफुल नहीं होगी चीज, इनसे कुछ इतना समझ नहीं आएगा. सो इसलिए यहाँ पे सर्वे रखा गया. यहाँ पे मतलब बहुत मजा आया. कहाँ गया था? वॉशरूम गया था. हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ वैसे भी. सो आपको सोचा यहाँ बीच में चक्कर करा देता हूँ. यहाँ पे ना रोज ही फंक्शन चलते रहते हैं इनके रिजॉर्ट में गाने वाने. सो ऐसा उन्होंने सोचा तो मतलब थैंक्स टू यार दैट प्रोफेसर की उनकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए, कुछ सीख पाए, अच्छा लगा यहाँ पे. अगर कॉलेज कैंपस में रहते यार एक तो मतलब रोज देखते हैं उसको तो मजा ही नहीं आता, वहाँ पे बोरिंग से हो जाता हमारे लिए. एंड सो वो चीज एक चीज अच्छी भी लगी. एंड गाइस अभी चलते हैं, आप करो एंजॉय, देखो आसपास क्या. वो चले गए, वो खाना नहीं शेयर करना पसंद करता. जस्सी खाना शेयर नहीं कर रहा? नहीं, आज मतलब एक ही डब्बे आज हमारे पास. मैंने सुबह स्पेशली मम्मा को गुड खाना बनवाया. ओके गाइस हमारा अभी सर्वे कुछ अंतिम चरण पे है और वैसे भी हमारा प्रॉबेबली लास्ट डे ही होने वाला है. सो आपको दिखाता हूँ मैप, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत से लग रहा है. तरुण भाई इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं ये जो आप देख रहे हो रोड, हम इसको इस पे प्लॉट कर रहे हैं पूरा. आपको दिखाता हूँ कि किस तरह बनाई है हमने. 8.5 पूरा पूरा. सो बस यही सीन है अभी के लिए. तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ऐसे, मतलब सुबह आए तो बीच में धूप थी फिर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड अभी फिर से मौसम ठंडा हो गया. तो अच्छा लग रहा है वैसे मौसम, अच्छा है वैसे मौसम, इतना भी चिल्ड नहीं है, बस होने वाला है अभी चिल्ली. इसके बाद तो मतलब ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है. वैसे भी चंडीगढ़ में मतलब मुझे पता नहीं था यार इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, पिछली बार इतनी ठंड नहीं थी. इस बार वेदर
जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी फेल हो गया हमारा. उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था कि वार्मर विंटर होंगे, बट पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा ठंड होगी इस बार अचानक से ही. एंड चलो मैं तो जम्मू जा रहा हूँ वैसे अब 24 को. अगर आज कितनी, आज 22 है ना, तो अगर मतलब 24 को हमारा वाइव है जो इतना पूरा सर्वे कैंप है सबका. एंड एक चीज और, हाँ, और कल डीजे होने वाला है. कल हमने आना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आज खत्म है तो हम जाएंगे बैठ जाएंगे. कल यहाँ पे पार्टी होगी, यहाँ पे डीजे लगना है और खाने पीने का भी उन्होंने बोला कुछ स्नैक्स वगैरह लगेंगे. एंड उसके बाद वाइवा जो होता है वो हमारा कॉलेज में होगा कि हमने भाई किया क्या बताओ भी. तो और एक और चीज हमारे साथ बड़ी खुशी वाली चीज होगी, इन्होंने हमें पहले बोला था कि फाइल बनानी है, जो आपने रिपोर्ट जैसे आप लिखते हो ना, डे वन डे टू डे टू एक फाइल बनाते हैं जैसे आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स वगैरह बनाते होंगे. सो इन्होंने बोला कि पहले ग्रुप की बनेंगे, फिर इन्होंने बोला कि सारे अपनी अपनी बनाएंगे. और आज लास्ट डे है और मैंने अभी मतलब तक बनाई नहीं थी, कल परसों देनी होगी, मैंने अभी तक फाइल बनाई नहीं थी. मैंने सोचा रात को बैठ के सारी फाइल लिखूंगा और अभी अभी मैसेज आया कि वो फाइल हमें नहीं बनानी और कसम से कुछ ने बना भी खुशी. हाँ, और जिन बच्चों ने बनाया उनके तो लग गई और खुशी इतनी भाई, खुशी इतनी कि अब खाली ग्रुप की एक सबमिट होगी, वो किसी लड़की ने बनाई है एक ने. सो मतलब खुशी यार, कसम से मजा आ गया. सो अभी बस फ्री है आज, मे भी एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग जगह मैं जाऊंगा, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कहाँ जाऊंगा. रात को चंडीगढ़ में कुछ इवेंट्स है बड़ा खतरनाक, अगर मेरा मन किया शाम को मैं उसका व्लॉग मतलब कवर अप करूं तो शायद उसका व्लॉग आपको देखने को मिले, तो वेट करो उसके लिए. फिलहाल तो बस कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं. और हाँ, कॉलेज से यहाँ तक आने के लिए हमें बस भी प्रोवाइड की गई है, अभी बस में जाएंगे मे बी हम. फिलहाल तो थोड़ा बहुत काम करना है, आपको दिखाता हूँ मैप किस तरह का बना है और ये रोड भी आपको हमारा ऑलमोस्ट पूरा ग्रुप मुदित को छोड़ के. मुदित क्या, सो हाउ इज इट गाइस? वेरी लो, वेरी लो, लो लो, वेरी लो, वेरी लो. चलो ठीक, चलो हम फोटो. इनको तो पहचानते होंगे वैसे सारे व्यूअर्स मेरे. कौन से व्लॉग में, अभी पिछले व्लॉग में थे ये भाई भी और ये भी, है ना, वो जो. सो गाइस, मेरे फोन की बैटरी होगी अभी 1%. सो राइट नाउ आई विल एंड दिस व्लॉग राइट नाउ, बस यही करूंगा. क्या बोल रहा मैं भी. अच्छा ठीक है, सो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया मसाला, नया कंटेंट लेके. टिल देन पीस, बाय.